बारे में, कल तो देख ही जो हम शूट कर रहे हैं वो दूसरे दिन टेलीकास्ट हो रहा है। आज के सीन में ये हुआ कि हम कामिनी को छोड़ने जा रहे थे और रास्ते में जो है वो गाड़ी चला रही थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग बहुत बच गए और अब हम घर आए हैं तो हमें बहुत नाराज़गी है कि धानी की वजह से एक्सीडेंट होते होते बचा। और हम तो धानी से नाराज़ ही हैं, हम चाहते हैं कि विप्लव और कामिनी एक दूसरे के साथ हों, धानी ना हो। तो बस उसी के लिए की सीन चल रहा था जिसमें हम अपनी नाराज़गी दिखा रहे थे। हाँ, क्योंकि हमें ऐसा बताया गया है कि धानी जो है वो सही लड़की नहीं है, और हम क्योंकि विप्लव को बहुत प्यार करते हैं इसलिए हमें लगता है कि विप्लव के लिए एक अच्छी लड़की होनी चाहिए, और हमारे हिसाब से कामिनी बहुत अच्छी लड़की है, समझदार लड़की है। मुझे एक तो थ्री इडियट्स में बहुत अच्छा लगा, और एक मैंने पहले भट्ट साहब की फिल्म की थी जख्म, उसमें ऐसे तो हर फिल्म में जो रोल करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छा लगता ही है, इसलिए ये कहना कि सिर्फ इन दो फिल्मों में अच्छा लगा, हर फिल्म में जो रोल किया वो अच्छा लगा, पर हाँ जख्म वाला रोल और थ्री इडियट्स वाला। बड़े पर्दे से छोटे पर्दे में आने के लिए कैसा स्ट्रगल करना पड़ा? नहीं, मैं दोनों में साथ साथ ही करती रही। मैं जब यहाँ बॉम्बे आई थी तो उससे पहले मैंने ट्रेन टू पाकिस्तान फिल्म जो है मतलब शूट कर चुकी थी, रिलीज़ बाद में हुई। फिर मैं सीरियल और फिल्म में साथ साथ ही करती रही, ऐसा नहीं हुआ मैं सीरियल करे उसी के साथ फिल्म करी, मैं दोनों साथ साथ ही किया है। और दूसरा चीज़, मुझे स्ट्रगल शब्द अच्छा ही नहीं लगता, ये एक प्रोसेस है ना, कुछ भी करते हैं उसकी एक प्रोसेस है काम की, तो स्ट्रगल नहीं उसमें भी अच्छा ही लगता है। मैं थोड़ा मेडिटेट करती हूँ, और मुझे पुराने हिंदी गाने सुनना अच्छा लगता है, और दूसरा गुरबाणी के शब्द सुनना अच्छा लगता है जो सुन के मेरा स्ट्रेस दूर होता है। और क्या ट्विस्ट आने वाले इस कहानी में? हाँ, क्या ट्विस्ट आने वाले? मुझे खुद ही नहीं पता, मैं आपको क्या बताऊंगी। मैं कहूँगी कि ये मैं अभी इस सीरियल से जुड़ी हूँ और मुझे उसमें काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं सब दर्शक भी इस सीरियल को देखें और इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं उसको समझने की कोशिश करें और उससे कुछ सीखें। थैंक यू।